नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला। कहने को तो सिर्फ ये एक एकेडमी है, पर जिन्होंने अपने कंधों पे सितारे पाने का सपना देखा है, उनके लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी ही सब कुछ है। सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन यहाँ पर हर कोई नहीं पहुंच पाता। वक्त आ गया है इंडिया के सबसे बेस्ट डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंचने का। एक सुनहरा मौका है सामने NDA-1 2019 एग्जाम का। लेट्स क्रैक NDA-1 2019 एग्जाम विद फ्री क्रैश कोर्स बाय TGM द ग्रेट मेंटोर। 101 ऑनलाइन मॉक टेस्ट, 93 वीडियोस एंड 350 प्लस फ्री PDF नोट्स। Download TGM for NDA, CDS and AFCAT exam app from Google Play Store or log on to www.thegreatmentor.com। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू TGM द ग्रेट मेंटोर, India's first ever online platform for defense exams such as NDA, CDS and AFCAT. I am Harsh Mangrolia, your science mentor at TGM. We team TGM prepare 35 days crash course for NDA-1 2019 exam. In this video session, we will learn about chapter Oscillation and Semiconductor of Physics. Okay, so let's start with the question number 1. So here is, we draw the reference circle of particle M performing a linear SHM. SHM is simple harmonic motion. If the period of M is 2 seconds, then the angular velocity of the reference particle will be pi radian per second, 2 pi radian per second, pi by 2 radian per second, or 3 pi by 2 radian per second. So if we draw the reference circle of particle M performing a linear SHM. So यहाँ पे सर्कल दिया है, रेफरेंस ऑफ सर्कल ऑफ द पार्टिकल, और हमें पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी उसका क्या होगा। जो उसका टाइम पीरियड दिया है हमें 2 सेकेंड, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन है कि द पीरियड ऑफ SHM ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द डायमीटर, क्योंकि यहाँ पे सर्कल दिया है, तो मूविंग अलोंग द डायमीटर इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द रेफरेंस सर्कल। तो यहाँ पे जो उन लोगों ने रेफरेंस सर्कल के वो पार्टिकल मूव कर रहा है और इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो अगर उसका एंगुलर फार्मूला है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 2π/T बिकॉज ऑफ द रेफरेंस सर्कल और रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम हमें दिया गया है 2 सेकेंड, तो हम 2π/T की जगह पे 2 लिख सकते हैं क्योंकि वो उसका टाइम पीरियड है। सो यहाँ पे मैथमेटिकल कंडीशन से ये कैंसिल होकर हमें मिलेगा पाई, तो इट इज़ पाई रेडियन पर सेकेंड, तो आंसर विल बी पाई रेडियन पर सेकेंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट साइन ओमेगा t प्लस कॉस ओमेगा t, देन इट इज SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 2a, इट इज SHM ऑफ एम्पलीट्यूड a रूट ऑफ 2, इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट अ SHM, इट इज SHM ऑफ एम्पलीट्यूड a। सो यहाँ पे दिया गया है कि अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिया गया है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस कॉस ओमेगा t। तो ये जो इस इक्वेशन को अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू a, अगर इस ब्रैकेट को हम क्लोज ओपन करें, a साइन ओमेगा t प्लस a कॉस ओमेगा t, और इससे अगर एम्पलीट्यूड हमें दिया गया है ऑप्शंस में, और इस इक्वेशन के हिसाब से भी अगर ए को एम्पलीट्यूड कंसीडर करके हम इसे सॉल्व करें, तो ये हमें कुछ इस तरह मिलेगा। एम्पलीट्यूड के लिए वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2a² इज इक्वल्स टू ए रूट 2, जो कि आंसर है हमारा, इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ ए रूट 2, तो राइट आंसर इज ए रूट 2। So the next question is, the height of a swing changes during its motion from 0.1 meter to 2.5 meter.
What is the minimum velocity of a boy who swings in the swings? Option is 4.95 meter per second, 5.4 meter per second, 0, 3.14 meter per second. तो हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि एक जो हाइट दी गई है कि स्विंग्स जो चेंजेस हो रहा है मोशन के दरम्यान वो है 0.1 मीटर टू 2.5 मीटर. तो जो मिनिमम वेलोसिटी है जो बॉय जो स्विंग कर रहा है उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये 0.1 मीटर से 2.5 मीटर हमें दिया गया है हाइट जो है उसकी जो चेंजेस हो रही है, तो इसकी जो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी. तो जब भी कोई स्विंग हो रहा है तो उसकी जो मिनिमम ये 2.5 जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट है, तो एक्सट्रीम पॉइंट के टाइम वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होती है और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसकी मीन पोजीशन पे. यहाँ पे हमें दिए गए जो एक कंडीशन दी है 0.1 मीटर 2.5 मीटर, 2.5 मीटर जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो एक्सट्रीम पोजीशन के टाइम पे वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होगी, तो आंसर विल बी ज़ीरो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड इन अ यूट्यूब इज नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक एंड टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सिंपल हार्मोनिक एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. सो यहाँ पे क्योंकि मोशन ऑफ ऑसिलेटिंग लिक्विड है जो यूट्यूब की यू शेप में जो ट्यूब है उसके अंदर है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो एच है, लेट्स कंसिडर कर रहे सिर्फ हम इसे कि वो हाइट है, एच जो है वो हाइट है लिक्विड की जो एक कॉलम में है, ठीक है, वो अभी इस आर्म में है जो अभी इक्विलिब्रियम में. अभी इस ट्यूब को हम थोड़ा सा अगर स्लाइटली चेंज करें तो जो ये लिक्विड है जिसकी हाइट एच है वो एग्जीक्यूट करेगा एस एच एम, जिसका टाइम पीरियड हम का जो हमारे जो फॉर्मूला है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाई जी, ठीक है. और यही कि मोशन ऑफ ऑसिलेटिंग लिक्विड इन यूट्यूब इज, जो मोशन होगा तो मोशन तभी होगा जब एस एच एम उसका होगा जिसका टाइम पीरियड हमें दिया गया है जो फॉर्मूलाज है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाई जी, एच जो कि हाइट है जो हम लोग ने पहले कंसिडर किया था. तो यहाँ से हमें पता है कि टी जो है जो उसका टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के हिसाब लिए, तो इसका जो आंसर है वो होगा सिंपल हार्मोनिक एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स अ SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड पीरियड 4 सेकेंड, इफ एट टाइम इज ज़ीरो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज ज़ीरो, then its velocity at that point is given by pi centimeter per second, 2 pi centimeter per second, 3 pi by 4 centimeter per second or pi by 2 centimeter per second. So, पे दिया गया कि एक पार्टिकल जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर और टाइम जो टी होगा वो हमारा दिया गया है कि 4 सेकेंड है, ठीक है. इफ अगर टाइम जीरो है देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल इज ज़ीरो और उसका जो वेलोसिटी भी होगा वो पॉइंट पे क्या हो सकता है. तो जो हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो टी ज़ीरो दिया गया है तो उस पर जो नेट फोर्स है वो भी ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन होगा वो भी ज़ीरो होगा लेकिन मास वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा क्योंकि वो और जो पार्टिकल होगा वो इस कंडीशन के हिसाब से हमें पता चलेगा कि वो मीन पोजीशन पे है. कौन सी, जो टी इक्वल टू ज़ीरो है देन ए इक्वल टू ज़ीरो होगा, जो नेट फोर्स होगा वो भी ज़ीरो होगा पार्टिकल के टाइम पे जब टी इक्वल टू ज़ीरो है तभी, लेकिन जो मास है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा. तो ये जो कंडीशन है उस टाइम पे हमें पता चलेगा कि जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन पे है. सो द पार्टिकल होगा वो मीन पोजीशन पे है. अब जब उसकी पोजीशन अगर हम x इक्वल टू ज़ीरो बोले तो पार्टिकल हैज़ अ मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन होगी इस टाइम पर. और अब किया गया कि जब ये चेंजेस हो रहे हैं तो v मैक्स जो है जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब कर रहा है तो वो होगा ओमेगा अपन ओमेगा इंटू a एम्पलीट्यूड होगा. ओमेगा होगा 2 पाई बाई टी इंटू एम्पलीट्यूड और इसे हमें दिया गया कि उसका एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड जो टी है वो 4 सेकंड है. सो इट्स 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इज 4 सेकंड इन एम्पलीट्यूड इज 4, दिस गॉट कैंसल, तो आंसर होगा 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड.
So the next question is, a coin is placed on a horizontal platform which undergo vertical simple harmonic motion of angular velocity omega. The amplitude of oscillation will gradually increase. The coin will lose contact with the platform for the first time for amplitude of g by omega square at the mean position of the platform, at the highest position of the platform, or for an amplitude of g square upon omega square. So यहाँ पे दिया गया है कि एक कॉइन को प्लेस किया है ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म और फिर वो परफॉर्म करेगा वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी. देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज ग्रेजुएटली इंक्रीज्ड. द कॉइन विल लूज कॉन्टैक्ट विद द प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम. उसके बाद उसका जो होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा या फिर जो भी कंडीशन होगी, क्या होगी, तो coin will lose the contact with the horizontal platform. ये जो last शायद कि coin will lose with the platform for the first time with the horizontal platform, क्योंकि वो vertical simple harmonic motion perform करेगा और उसका जो oscillation amplitude होगा कि vertical oscillation हो रहा है उसका, क्योंकि vertical simple harmonic motion इन लोगों ने दिया गया है. तो जो maximum force होगा top most position पे वो होगा m a omega square, which is एफ मैक्स, यानी कि मैक्सिमम फोर्स. और उसका जो वेट है पार्टिकल, मतलब जो कॉइन का वेट होगा वो होगा एम जी. ठीक है, फॉर द अभी अगर हम इसे कंसिडर करें कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होगी, क्योंकि ये जो सिंपल वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके लिए, तो इस दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेलिएट करें, सो एम जी इज इक्वल्स टू एम ए ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो ये एम एम कैंसिल हो जाएगा. अगर हम एम्पलीट्यूड के टर्म में लेके, तो जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें मिलेगा फॉर एन एम्पलीट्यूड जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर. सो दिस इज द राइट आंसर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल्स टू 12 कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा सेंटीमीटर. इफ एट टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 6 सेंटीमीटर, देन द फेज ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, पाई रेडियन. तो जो हमें दिया गया कि एक जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एट एस एच एम में सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम, वो उसकी इक्वेशन दी गई है एक्स इज इक्वल्स टू 12 कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा. यहाँ पे लिख देता हूँ एस इज इक्वल्स टू 12 कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा. अब ये जो नेक्स्ट कंडीशन दी गई कि एट टाइम टी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि एक्स की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो जो फेज होगा पार्टिकल का वो क्या होगा. तो ये जो ओमेगा टी प्लस अल्फा है, इसे फेज कहते हैं कि कौन से फेज में हो रहा है. ठीक है, तो अभी अगर हम इस कंडीशन को अप्लाई करके, जो एट टाइम टी पे अगर डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे अगर हम 6 लिखे, 6 इज इक्वल टू 12 कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, और इस मैथमेटिकल टर्म में अगर हम सॉल्व करें, तो कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू 6 बाय 12, और ये हो जाएगा 1/2. और हमें पूछा है कि उसका जो फेस होगा पार्टिकल का उस टाइम पर का क्या होगा, तो ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, और कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 होता है पाई बाय 3. तो पाई बाय 3 आंसर इज दिस. So the next question is, the phase of a particle executing a simple harmonic motion and starting from its equilibrium position is pi by 2 when it has maximum velocity, minimum displacement, maximum acceleration, maximum energy. So यहाँ पे condition दी गई कि a phase of a particle executing simple harmonic motion, एक particle है जो SHM perform कर रहा है, starting from its equilibrium position is pi by 2. Equilibrium position दिया गया है और pi by 2 दिया गया है, तो ये कब होगा, जब maximum velocity होगी तब, minimum displacement होगा तब, maximum acceleration होगा तब, या फिर maximum energy होगा तब.
तो जब भी कोई पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है और उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे है, देन इट हैज़ अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एंड उसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा और उसका फेज जो होगा हमेशा पाई बाई टू होगा. तो इसका आंसर राइट करेक्ट आंसर है हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर अ जर्मेनियम क्रिस्टल 1.12 × 10⁻¹⁹ जूल, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, 2.24 × 10⁻¹⁹ जूल, 3.2 × 10⁻¹⁹ जूल. यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो एनर्जी गैप होता है जर्मेनियम क्रिस्टल में वो क्या होता है. तो जो एनर्जी गैप यानी कि Eg इज इक्वल्स टू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसका वैल्यू जो है, अगर इसे मैथमेटिकल टर्म में लिखे 0.7 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल. अगर हम इसे मैथमेटिकली मल्टीप्लाई करें और देखें तो इसका आंसर आएगा 1.12 × 10⁻¹⁹ जूल. ये जो एनर्जी गैप की वैल्यू है, तो राइट आंसर हमारा होगा ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गुड कंडक्टर्स द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज स्मॉल बट नॉट जीरो, जीरो, लार्ज बट नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट. तो क्वेश्चन में कि जो गुड कंडक्टर होता है उसके बीच में जो इलेक्ट्रो जो गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में वो क्या होता है. तो गुड कंडक्टर्स में जो ईजी यानी कि एनर्जी गैप जो दो बैंड्स के बीच में होता है हमेशा ज़ीरो होता है. तो इसका आंसर ज़ीरो होगा क्योंकि वो दोनों को ओवरलैप हो, जो भी गुड कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में वो दोनों को ओवरलैप हमेशा होता है, तो उसके बीच में कोई गैप नहीं होता. ईजी की वैल्यू इसलिए हमेशा गुड कंडक्टर के लिए ज़ीरो होती है. तो राइट आंसर इज ज़ीरो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉलिड विच इज़ ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट एंड वुज कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर इज फॉर्म्ड बाय आयोनिक बॉन्ड, वैन डेर वाल्स बाइंडिंग, कोवैलेंट बाइंडिंग, मेटेलिक बाइंडिंग. तो यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है कि अ सॉलिड विच इज़ ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट एंड विज कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ टेम्परेचर इज फॉर्म्ड बाय, तो इसका आंसर होगा कोवैलेंट बाइंडिंग. और ये जो कंडीशन है वो सेमी कंडक्टर्स के लिए अप्लाई होती है, जो कि विजिबल लाइट होता है ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ द टेम्परेचर, जो सेमीकंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है. और उसमें सेमीकंडक्टर्स में कोवैलेंट बेंडिंग होती है, तो आंसर इज कोवैलेंट बेंडिंग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑफ द सब्सटेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इम्प्लाइज दैट द सब्सटेंस इज अ सेमीकंडक्टर, एन इंसुलेटर, एन अलॉय और अ कंडक्टर. तो यहाँ पे हम देखेंगे एनर्जी गैप बिटवीन एक सब्सटेंस का दिया है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो ये जो कंडक्ट जो भी ये सब्सटेंस है वो क्या होगा. तो जो गैप दिया गया है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो बहुत ही कम है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है इसके कंडक्शन बैंड में बहुत सारे जो फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल सकते हैं. तो ये जो कंडीशन है वो सिर्फ कंडक्टर के टाइम पे ही एप्लीकेबल होती है. तो ये जो सब्सटेंस है उसका वो कंडक्टर है, तो राइट आंसर इज अ कंडक्टर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द लेवल फॉर्म ड्यू टू द इम्प्योरिटी एटॉम इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप नियर द वैलेंस बैंड इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. फॉरबिडन लेवल, एक्सेप्टर लेवल, कंडक्शन लेवल और डोनर लेवल. तो जो यहाँ पे दिया गया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसका जो दूसरा नेम क्या हो सकता है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो ऑलवेज नोन एज एक्सेप्टर टाइप बिकॉज उसके जो कंडक्शन बैंड जो उसके वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग करता है. तो इसका है जो आंसर होगा वो एक्सेप्टर लेवल होगा. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिमेन ऑफ एन इंट्रासोनिक सेमीकंडक्टर कंटेन्स 1.2 × 10⁻¹⁵ होल्स पर मीटर क्यूब इफ इट इज डोप्ड बाय फॉस्फोरस एटम इन अ स्मॉल पोर्शन. Then the number of holes per meter cube in the doped semiconductor will slightly decrease, slightly increase, doubled or remain constant at 1.2 × 10⁻¹⁵ holes per meter cube.
तो इसका जो आंसर है वो डी होगा, बिकॉज यहाँ पे दिया गया है कि एक सेमी कंडक्टर है जो जिसके अंदर 1.2 × 10^15 होल्स पर मीटर क्यूब कंटेन कर रहा है। अगर इसे हम फॉस्फोरस एटम में अगर थोड़ा सा स्मॉल पोर्शन का डोप कर दे तो जो नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब होगा सेमी कंडक्टर का वो क्या होगा? तो जो फॉस्फोरस एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके हिसाब से उसके होल्स के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं होगा, जिस जो पोर्शन में डोप किया गया है तो वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो राइट आंसर इज रिमेन कॉन्स्टेंट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ अ सेमी कंडक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, डोपिंग इंक्रीज कंडक्टिविटी, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, सो रेजिस्टिविटी इन बिटवीन दैट ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो यहाँ पे दिया गया कि सेमी कंडक्टर है, इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है? तो ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे दिया गया कि एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो सेमी कंडक्टर होगा वो बिहेव लाइक करेगा कंडक्टर के, जो भी जो रॉन्ग है, बिकॉज एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो सेमी कंडक्टर होता है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है ना कि कंडक्टर की तरह, बिकॉज जो सेमी कंडक्टर जो होता है उसकी जो फंक्शन होता है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, जो इसका करंट फ्लोइंग का जो सारे फंक्शंस है वो सारे। तो जीरो टेम्परेचर के टाइम पे वो सेमी कंडक्टर हमेशा इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा ना कि कंडक्टर की तरह। तो राइट आंसर इज, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, और जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इट बिहेव्स लाइक कंडक्टर, विच इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, सो वी जस्ट एंड दिस सेशन हियर। सो wish you all the best, all the students who are appearing for NDA-1 2019 exam, and I hope this session will help you to score good marks and concept your and clear your concepts. So thank you, we will meet in next session with the new topics. Thank you very much. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।